VFD क्या होती है और सोलर इन्वर्टर क्या होता है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि सोलर ट्यूबवेल्स के ऊपर लगने वाली VFDs को घरों पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि घरों के जो इन्वर्टर्स होते हैं, जो नॉर्मल सोलर इन्वर्टर्स होते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, वो ट्यूबवेल्स पे या इंडस्ट्री में क्यों नहीं चल सकते। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि VFD क्या होती है और सोलर इन्वर्टर क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में हम आसान लफ्ज़ों में ये जानेंगे कि VFD और सोलर इन्वर्टर क्या होता है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको आसान लफ्ज़ों में बताया जा सके कि VFD और सोलर इन्वर्टर में क्या फ़र्क होता है। सोलर इन्वर्टर्स हमारे घरों में नॉर्मल जो सोलर सिस्टम लगता है उसके साथ लगते हैं, जिसके साथ बैटरीज भी इस्तेमाल होती हैं। ये सोलर इन्वर्टर्स कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं, इनका फिक्स वोल्ट होता है जो कि 220 होता है। हमारे घरों की ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो होती हैं वो 220 पे चलती हैं। एसी हो गया, एलसीडी टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बल्कि इनको अगर कम वोल्टेज मिलेगा तो ये बर्न आउट हो जाएंगी। इसी तरह इनको फ्रिक्वेंसी भी फिक्स चाहिए। पाकिस्तान में इनको हमेशा 50 हर्ट्ज़ के ऊपर चलाया जाता है और हमारे सोलर इन्वर्टर्स 50 हर्ट्ज़ की ही आउटपुट देते हैं। यही वजह है कि सोलर इन्वर्टर्स कांस्टेंट आउटपुट्स दे रहे होते हैं। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हम VFD की बात करें तो VFDs जो होती है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का एब्रीवेशन है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जब कहीं पे भी लगती है, ज़्यादातर तो ये फैक्ट्रीज में लगती है जहाँ पे हैवी टॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कांस्टेंट टॉक देने के लिए चीज़ों को चलाया जाता है। और इसके साथ साथ अगर सोलर पंपिंग में जहाँ इस्तेमाल होता है, वहाँ वाटर पंपिंग करते हुए हम सोलर इन्वर्टर्स जो होते हैं, नॉर्मल घरों वाले इन्वर्टर्स वो नहीं लगाते, वहाँ पे हम ये VFDs लगाते हैं। इसके दो मकासद होते हैं, एक तो जो बोर के अंदर मोटर होती है उसका टॉर्क एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और हैवी टॉर्क से मोटर नहीं स्टार्ट होती, मोटर बिल्कुल ज़ीरो टॉर्क से स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी फुल पावर पर जाती है। उससे इन्वर्टर के ऊपर भी झटका नहीं लगता और सोलर सिस्टम ठीक काम कर रहा होता है। और दूसरी रीज़न ये होती है VFD लगाने की कि VFD के अंदर बिल्ट इन सोलर से करंट लेके आगे अपनी इक्विपमेंट को चलाने की पावर होती है। बट आम सोलर घरों वाले इन्वर्टर से ये डिफरेंट काम करती है। ये आपकी जो मोटर चल रही होती है, ज़्यादातर ये उन मोटरों के ऊपर चलती है जो कि रिवॉल्विंग मोटर्स होती हैं, बल्कि ज़्यादातर नहीं, हमेशा ये रिवॉल्विंग मोटर्स, जिनके ऐसी मोटर्स जिनके अंदर मोटर्स घूम रही होती हैं, जिसके अंदर आप चक्की की मोटर कह सकते हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मोटरें होती हैं जो कि गोल घूमती हैं और आगे अपनी चीज़ों को चलाती हैं। और इसी तरह से जो पंपिंग, वाटर पंपिंग के लिए जो मोटर्स होती हैं, चाहे वो सरफेस मोटर हो या सबमर्सिबल मोटर हो, दोनों मोटर्स ही गोल घूमती हैं। अब ये जब गोल घूमती हैं तो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी जब इस ये आगे देती है, अगर सोलर का की पावर कम होगी तो VFD फ्रीक्वेंसी कम दे रही होती है, तो उसके साथ साथ आगे मोटर के जो चक्कर हैं वो भी स्लो चलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली आगे जो मोटर की आउटपुट होती है, वाटर का फ्लो होता है, वो कम हो जाता है। इसी तरह जब सोलर की पावर पूरी आ रही होती है तो VFD अपनी फुल फ्रीक्वेंसी से मोटर को चलाती है। फ्रीक्वेंसी 50 होती है, वोल्टेज पूरे होते हैं और इवेंचुअली पंपिंग जो मोटर है वो फुल पावर से चल रही होती है। बट अगर VFD को घरों पे लगा देंगे तो अगर कम फ्रीक्वेंसी आएगी, आप LCD को चला रहे होंगे, तो LCD या तो चलेगी नहीं या बर्न आउट हो जाएगी, क्योंकि LCDs कम हर्ट्स के ऊपर चलने के लिए नहीं बनी होती हैं। इसी तरह से घर के जो फ्रिज होती हैं, AC होते हैं, इनको अगर आप कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देंगे तो ये भी बर्न आउट हो जाएंगे। बट VFD क्या करती है, अगर सोलर की पावर कम होगी तो आगे अगर जो मशीन चल रही है, मोटर चल रही है, उसको स्लो कर देगी। तो इस पर सिर्फ वही मोटर चल सकती है, वही इक्विपमेंट चल सकता है जो कि स्लो भी चलता रहे। अब आटा चक्की के ऊपर भी VFDs लगती हैं, तो आटा चक्की का क्या सिस्टम होता है कि अगर सोलर की पावर कम होगी, आटा चक्की स्लो चल रही होगी तो वो स्लो भी चल जाएगी, कम हर्ट्स के ऊपर चलती है। इसी तरह से जो बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनरीज होती हैं, उनको भी अगर कम पावर मिलेगी तो उसको स्लो चलाया जा सकता है, इवेंचुअली आउटपुट स्लो ली जा सकती है, लेकिन वो कम पावर पे, कम हर्ट्स पे भी चलती रहती है। VFD के दो काम होते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना और वोल्टेज को कंट्रोल करना। VFD जो होती है वो V-F की रेशो को बरकरार रखती है और कॉन्सिक्वेंटली आपकी मोटर को पावर देती रहती है, चाहे वो स्लो चल रही हो चाहे वो तेज़ चल रही हो। यही वजह है कि VFDs घरों में नहीं इस्तेमाल हो सकती हैं, और घरों के जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं वो मोटर्स के ऊपर नहीं चल सकते, क्योंकि घरों के जो इन्वर्टर्स होते हैं वो हैवी टॉर्क के ऊपर नहीं चल सकते। आप एक नॉर्मल सिंगल फेज इन्वर्टर को अगर अपनी 3 फेज मोटर के ऊपर चला देंगे तो एक तो उसको तीनों फेजेस नहीं मिल रहे होंगे, प्लस वो हैवी टॉर्क के साथ वो नहीं चलेगी।
VFDs का एक और फीचर ये होता है कि वो बैटरी लेस भी चल सकती हैं। जितने भी वाटर पंपिंग वाली VFDs होती हैं उनको बगैर बैटरी के चला सकते हैं, क्योंकि अगर सोलर की पावर कम होगी तो उसको कॉन्सिक्वेंटली ऑल्टरनेट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, वो आगे मशीन को स्लो कर देगी। लेकिन जो घरों के इन्वर्टर्स होते हैं वो बगैर बैटरी के सही तरह परफॉर्म नहीं करते। अगर सोलर की पावर कम है और वापडा भी उसके साथ नहीं अवेलेबल, तो आपका जो इक्विपमेंट है उसको जलने से बचने के लिए इन्वर्टर खुद बंद हो जाता है, आपके इक्विपमेंट को कम फ्रिक्वेंसी नहीं देगा। बट VFD जो है वो कम पावर देती रहती है। तो यही वजह है कि दोनों के अलग अलग इस्तेमाल हैं, अलग अलग मकासद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आप ये जान सकते हैं कि VFD और सोलर इन्वर्टर्स की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।